paper sheets, cardboard, thick paper, a round tumbler, bottle with metallic cap, glue, green, white, blue fabric color, sketch pen, cutter, painting brushes, a small thin stick, scissor, ruler. सबसे पहले हम newspapers की पतले पतले strips काट लेंगे और strip की चौड़ाई 3 इंच के आसपास होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर 24 strips काटे हैं। अब इन strips को wire या stick की मदद से बिल्कुल पतले पतले pipes इसके बना लेंगे। इसे रोल करने के बाद इसके अंतिम सिरे पर फेविकोल लगाकर इसे स्टिक कर लेंगे। इसी तरह हम सारे स्ट्रिप से पतले पतले पाइप्स बना लेंगे और इस पाइप को एक प्लेन सरफेस पर रखकर पाइप्स के किसी एक एंड पर रूलर रखकर उसे एक लेवल में कर लेंगे। सारे स्टिक्स को हम 12 इंच की लंबाई में काट लेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि सारे स्टिक्स इक्वल साइज के हों। ऊपर से 5 इंच की लंबाई छोड़कर स्टिक्स पर मार्क कर लेंगे। अब 5 इंच छोड़े हुए जो पोर्शन है पाइप के उसको एक पेन के सहायता से कर्व कर लेंगे। का एक एंड बिल्कुल सीधा 7 इंच का होगा और दूसरा हिस्सा कर्व्ड 5 इंच का होगा। सारे स्टिक्स को कलर करना होगा तो मैं इस पाइप पर एक्वा ग्रीन कलर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने वाइट, ब्लू, ग्रीन फैब्रिक कलर को मिक्स करके एक्वा ग्रीन कलर बनाया है। एक एक करके सारे पाइप्स को हम कलर कर लेंगे अच्छी तरह। मैंने सारे स्टिक्स पर कलर कर लिए हैं। अब इन्हें हम सूखने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। तक कलर सूखेंगे तब तक हम एक हार्ड बोर्ड लेंगे और कंटेनर की हेल्प से दो बड़े बड़े सर्कल काटेंगे 4 इंच डायमीटर के। आप चाहें तो कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। हार्ड बोर्ड पर 1/2 इंच डायमीटर का एक सर्कल बनाकर उसे काट लेंगे। थिक पेपर पर 1/2 इंच और 3/4 इंच डायमीटर के दो सर्कल ड्रॉ करके हम उसे काट लेंगे। हमने यहाँ पर टोटल 5 सर्कल्स बनाए हैं। 2 4 इंच डायमीटर के हार्ड बोर्ड के सर्कल्स और 1/2 इंच डायमीटर के एक हार्ड बोर्ड का सर्कल और थिक पेपर से बने हुए एक 1/2 इंच डायमीटर का सर्कल और एक 3/4 इंच डायमीटर का सर्कल।
अब हम सारे सर्कल्स के किसी एक साइड पर रंग कर लेंगे, यानी पेंट कर लेंगे। अब हाफ इंच डायमीटर वाले हार्ट बोर्ड के सर्कल पर हम ग्लू लगाएंगे और एकदम पास पास एक के बाद एक स्टिक्स को हम सर्कल के एज पर चिपकाते जाएंगे। सारे स्टिक्स को सर्कुलर वे में स्टिक करने के बाद हम हाथ से इनके बीच की दूरी को इक्वल कर लेंगे। ये सारे स्टिक्स समान समान डिस्टेंस में होने चाहिए। अब डिस्क और स्टिक के वे पाइप के हिस्सों पर ग्लू लगाएंगे और थिन पेपर के जो हाफ इंच डायमीटर के साइज के डिस्क हमने काट के रखे थे उसे चिपका देंगे अच्छे से। अब सारे स्टिक्स के बाहरी छोर से एक इंची के डिस्टेंस पर हम मार्क करेंगे स्केच पेन से स्टिक्स पर। ऐसा हमें सभी स्टिक्स पर मार्क लगाना है और इसी मार्क से स्टिक्स को हम हाफ इंची इनवर्ट फोल्ड कर लेंगे, यानी कि अंदर की ओर। अब स्मॉल डिस्क के ऊपर सेंटर पर एक 7 इंची हाइट का एक कंटेनर रखेंगे और उस कंटेनर के ऊपर हम 4 इंच डायमीटर का जो हार्ड बोर्ड का डिस्क था वो रखेंगे और डिस्क के एजेस पर ग्लू लगा करके एक के बाद एक अब पेपर स्टिक्स के बाहरी छोर पर जो हमने हाफ इंच मोड़ा था उस हाफ इंच को हम डिस्क के ऊपर स्टिक करते जाएंगे एक के बाद एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। हम सारे स्टिक्स को चिपका लेंगे, यानी कि हमें 22 स्टिक्स जो हैं वो चिपका लेना है और उनमें से 2 स्टिक्स को हम चिपकाएंगे नहीं, उसे फ्री रखेंगे। हमने सारे जो पेपर स्टिक्स हैं उसे डिस्क पर चिपका दिया है। अब दूसरा 4 इंच डायमीटर के डिस्क पर हम ग्लू लगा करके जो पहला डिस्क है उसके ऊपर स्टिक कर देंगे और इसे सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर क्लिप्स लगा देंगे ताकि यह अच्छे से स्टिक हो जाए। अब जो 2 स्टिक्स हमने फ्री छोड़े थे उस गैप से हम कंटेनर को केयरफुली बाहर निकाल लेंगे और हाथ से दबाते हुए जो ऊपर वाला पोर्शन है स्टिक्स का उस पर एक कर्व शेप देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से।
इन हिस्सों को पहले से ही हमने पेन के हेल्प से थोड़ा सा कर्व शेप दिया था। अब हम 4 इंच डायमीटर के डिस्क के गोलाई के अनुसार हम दो स्ट्रिप काटेंगे हार्ड पेपर के 1 इंच विड्थ के, और उसे बीच से लेंथ वाइज मोड़ करके डबल कर लेंगे और स्टिक कर लेंगे। इस तरह के हमें दो स्ट्रिप्स बनाने हैं। इन्हें भी हम एक्वा ग्रीन कलर से पेंट कर लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को हम पेंट की हेल्प से कुछ इस तरह से कर्व कर लेंगे ताकि हम इजीली इसे सर्कुलर शेप में ला सकें, और उनमें से एक स्ट्रिप को हम जोड़कर एक रिंग का शेप दे लेंगे स्टिक कर के, और दूसरे स्ट्रिप को हम क्लिप की सहायता से जो बेस है उसके चारों तरफ कुछ इस तरह से लगा कर रखेंगे। ध्यान रखना है कि जो दो स्टिक्स हमने फ्री रखे थे, हमने डिस्क के साथ नहीं उसे स्टिक किया था, उसे फ्री ही रखना है। अब हम केज के ऊपर वाले हिस्से को पेपर रिंग के अंदर इंसर्ट कर लेंगे और बार के स्टिक्स को जहाँ से हमने कर्व किया था उसी पॉइंट पर ग्लू लगाते हुए जो पेपर रिंग है उसे बार के साथ स्टिक कर देंगे और उस पर क्लिप्स लगा देंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और बार के डिस्टेंस को हम समान समान करके इक्वल यानी कि इक्वल करके हम पेपर रिंग से चिपकाएंगे। सारे स्टिक्स के बीच के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए हम रिंग के साथ बार्स को स्टिक करेंगे। बेस पर जो स्ट्रिप हमने लूजली लगाया था क्लिप के सहायता से, उस क्लिप को खोलकर स्ट्रिप हम निकाल लेंगे। फिर दो बार्स को फ्री रखते हुए हम जो बेस है उसके एजेस पर ग्लू लगाते हुए पेपर स्ट्रिप को अच्छे से चिपका लेंगे कुछ इस तरह से। और हमें ध्यान रखना है कि जो दो बार हमने लूज रखे थे फ्री रखे थे उसे वैसा ही रहने देना है। 3/4 इंच के डायमीटर का पेपर डिस्क जो हमने काटे थे वो हम केज के टॉप पर चिपका देंगे फिनिशिंग के लिए। पेपर को फोल्ड करके 1/2 इंच लंबाई का एक छोटा स्ट्रिप बनाएंगे। बॉटल के नेक में लगे मेटलिक रिंग को हम कटर की सहायता से काट कर निकाल लेंगे। फिर जो 1/2 इंच लंबाई का जो हमने पेपर स्ट्रिप्स फोल्ड करके बनाया था उसके हेल्प से हम इसे केज के टॉप पर कुछ इस तरह से चिपका देंगे, फिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा बर्ड केज तैयार है। अब रिंग और जो पेपर स्ट्रिप्स है जिससे हमने रिंग को चिपकाया है उसे हम पेंट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। टाटा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ।